अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत काजमी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की। गुज़िश्ता 24 घंटे जो हैं वो बहुत अहम रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। कई बड़ी खबरें सामने आई हैं जिसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं इस वक्त। और सबसे पहले हम आज के शो में बात करेंगे नेशनल T20 कप के हवाले से, जिसके 2 दिन के वक्फे के बाद जो है वो आज से मैचेस दोबारा शुरू हुए हैं और टीमें जो हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं और खिलाड़ी जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी परफॉर्मेंसेस दें। और साथ में हम बात करेंगे कि काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही हैं और काफ़ी मुस्तनद ज़राए से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप T20 स्क्वाड सिलेक्ट की गई थी उसके अंदर अब कुछ तब्दीलियां जो है वो देखने को मिलेंगी और उसका ऐलान जो है वो पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम बहुत जल्द करेंगे। इन तब्दीलियों के बारे में भी बात करेंगे, वो कौन से नाम हैं जिनको टीम में से ड्रॉप किया जा सकता है और कौन से वो नाम हैं जिनको टीम के अंदर शामिल किया जाएगा। साथ में हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जनाब वसीम खान साहब, उन्होंने आज अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। ये खबरें आ रही थी काफ़ी अरसे से, जब से खास तौर पर रमीज़ राजा ने चार्ज संभाला था बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तब से ये बात सामने आ रही थी कि वसीम खान जो है वो ज़्यादा अरसे अब क्रिकेट बोर्ड के अंदर नहीं ठहरेंगे और हम उनको जो है वो रुख्सत होते देखेंगे, लेकिन इतनी जल्दी होगा ये किसी ने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था। साथ में हम बात करेंगे इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चीफ हैं आइन वॉटमोर, उन्होंने एक स्टेटमेंट आज जारी की। उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा माजरत ख्वाह हैं पाकिस्तानी कौम से, जिनके उन्होंने दिल दुखाए हैं अपने इंग्लैंड के टूर को कैंसिल करके। इन तमाम बारों में बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेटर जनाब सलमान बट साहब। अस्सलाम वालेकुम सलमान, वेलकम टू द शो। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप नेशनल T20 कप को फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेस को अब तक? जी बिल्कुल, मैं मैचेस देख रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द मैचेस मैंने देखे हैं और काफी चैलेंज बना हुआ है प्लेयर्स के लिए, स्पेशली जो वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हुए उनमें से कुछ प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा तब्दीलियों की सूरत में बात हो रही है, बिकॉज दे आर नॉट परफॉर्मिंग एज एक्सपेक्टेड। तो ये तो होगा, बिकॉज जब वो सिलेक्ट हुए थे काफी थोड़ा क्वेश्चनेबल था इन अ सेंस कि उनकी पाकिस्तान टीम में ज्यादा परफॉर्मेंसेज नहीं थी और रिसेंट हिस्ट्री में वो टीम से सभी लोग ड्रॉप हुए थे मिडिल ऑर्डर के चारों बैट्समैन। तो उनका अचानक वर्ल्ड कप में जब वो सिलेक्ट होंगे तो डेफिनेटली पीपल विल टॉक अबाउट देम, मीडिया विल टॉक अबाउट देम। और फिर सिलेक्ट होने के बाद जो वो दो दो तीन तीन मैच खेले नेशनल T20 में, उसमें उन्होंने कोई बड़ी मेजर परफॉर्मेंसेज नहीं दी, जिसकी वजह से वो डिबेट और जोर पकड़ गई। तो देयर परफॉर्मेंस इज द ओनली थिंग जो उन्हें बचा रहेगी, जो उन ये जो बातें हैं इनसे उसकी जान छुड़ा सकती है। सो दे नीड टू परफॉर्म, दे नीड टू कम अप विद परफॉर्मेंसेज। अगर हम इनको ब्रेक डाउन करें स्क्वाड को, किस तरीके से देख रहे हैं आप? अगर हम बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम में से माइनस कर दें, वो T20 के लिए ओपन करते रहे पाकिस्तान के लिए T20 फॉर्मेट के अंदर, अगर हम उनको माइनस कर दें टीम में से तो नीचे मिडिल ऑर्डर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा रन बचते नहीं। और अगर हम वैसे तस्करा करें बाबर और रिजवान का, तो बहुत सारे लोगों को शिकायत रही है कि वो थोड़ा स्लो खेलते हैं, उस तरीके से इनिंग्स में अग्रेशन नहीं है उनके जिस तरीके से हम शर्जील और फखर को देखते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इस मुवाजने को? देखिए, आप देखें कि दुनिया की सारी टीमों में इस तरह के प्लेयर्स खेलते हैं जो इनिंग्स को इंटैक्ट रखते हैं। अगर आप केन विलियमसन को देखें, अगर आप इस तरह के स्मिथ को देखें, दूसरे प्लेयर्स को देखें, तो उनके भी लगभग स्ट्राइक रेट वही हैं जो बाबर आजम के हैं, जो रिजवान के हैं T20 क्रिकेट में। और रिजवान और बाबर बल्कि उनसे ज्यादा कंसिस्टेंटली रन करते हैं। बात यह है कि द पीपल अराउंड देम दे डू देयर जॉब। इन दोनों का मसला यह है कि इनके अलावा कोई काम करता नहीं है अपना, तो जब कोई करता नहीं है तो लोगों को यही नजर आते हैं। हालांकि अगर ये भी स्कोर ना करें तो फिर आपका क्या बने? और आपने जो सिलेक्शन किया है उसमें आपका जो माइंडसेट शो रहा है वो ये है, पावर, स्ट्राइक रेट, हिटिंग ओनली। ठीक है, सबके सब प्लेयर जो आपने चारों रखे हैं वो कंपल्सिव बाउंड्री हिटर्स हैं। अगर उन्हें कुछ बॉल बाउंड्री नहीं मिलती तो वो ना तो स्ट्राइक रोटेशन में महारत रखते हैं और ना ही दे आर नोन टू गेट आउट ऑफ दैट काइंड ऑफ सिचुएशन कि जहां पर बॉलिंग अच्छी हो और आपने दो ओवर निकाल लियो। ये सब ऐसे लड़के हैं, 2 से 3 बॉल अगर रन ना मिले इन्होंने हिट मारनी मारनी है। सो दैट इज टू मच प्रेडिक्टेबिलिटी एंड टू मच वन काइंड ऑफ आर्मरी दैट यू हैव। आप बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे, फिर आप खुद ही बता रहे हैं लोगों को कि जी ये लड़के हमारे स्पिनर्स को बड़ी हिट मारते हैं, तो मुझे बताएं क्यों इनके खिलाफ कोई स्पिनर्स लगाएगा? और तभी लगाएगा जब बहुत ज्यादा स्पिन की फेवरेबल कंडीशंस होंगी। तो उसमें कितने छक्के स्पिनर खा रहे हैं, IPL अभी हो रही है, आप अगर आपकी नजर से कुछ मैच गुजरे हो, दुनिया के बड़े बड़े हिटर्स वहां पे खेल रहे हैं, मुझे बताएं किसने वहां पर छक्के मार दिए बहुत ज्यादा?
सलमान, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अगर हम कुछ बात करें पिचेस की, काफ़ी ज़्यादा पिचेस को लेकर तनकीद हो रही थी रावलपिंडी के अंदर। हमने ऑडियो भी सुनी शुएब मकसूद की, दौरान मैच उन्होंने कुछ गुफ्तगू की थी खिलाड़ी के साथ। किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि 2 दिन का मौका मिला। कुछ बातें ये भी सामने आ रही हैं कि पिच को जो है वो अब चेंज किया गया, थोड़ा यूएई की कंडीशंस के साथ मैच किया गया, ताकि खिलाड़ियों की जो प्रैक्टिस है वो बिल्कुल उसी हिसाब से हो, उन कंडीशंस के हिसाब से हो जो उनको मुत्तहदा अरब इमारात के अंदर मिलनी है। देखिए, पिचेस का अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है। पिंडी में जो पिच है उसमें पेस एंड बाउंस होता है, ठीक है, ये सबको पता है। जब ये टूर्नामेंट का बाकी हाफ लाहौर शिफ्ट होगा तो बाउंस कम हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा दुबई से मिलती जुलती कंडीशन मिलेगी। लेकिन ये है कि पिचेस को थोड़ा ड्राई छोड़ा जा सकता था, पानी लगाए बगैर उन्हें थोड़ा रफ किया जा सकता था, ताकि स्पिन का एलिमेंट जो है ना वो आए, जो कि यूएई में मिल सकता है हमारी टीम को। वहां पर 145 के मैचेस होंगे, जैसे आप देख रहे हैं आईपीएल में हो रहे हैं, 150, 135, 145 ये टोटल्स वहां पर आ रहे हैं, और डिफेंड भी हो रहे हैं, तो वो उन चीजों पे लाया जा सकता था। बट ऐसा पिच नहीं है जो किसी को परफॉर्मेंस से रोके, ऐसा पिच नहीं है कि इस पर रन ना हो। मेरा ख्याल है लड़कों को पिच के बारे में बात करने से ज्यादा अपनी शॉर्ट सिलेक्शन पे गौर करना चाहिए कि वो किस तरह आउट हो रहे हैं। नॉट अ सिंगल डिसमिसल जहां पे पिच अनप्लेबल हो गई और पिच की वजह से कोई बैट्समैन आउट हुआ हो। आप तो बड़ी हिट मारते हुए आउट हो रहे हैं, तो आप कंप्लेन पिच की कैसे कर सकते हैं? सलमान, अगर हम बात करें बॉलिंग डिपार्टमेंट की, फास्ट बॉलर्स जो हैं वो तो अपना किरदार बखूबी निभा रहे हैं। शाहीन शाह आफरीदी लीडिंग विकेट टेकर भी हैं इस बार। हसन अली के साथ कुछ इंजरी के इशूज़ हुए थे, लेकिन उनकी बॉलिंग भी जो है वो कोई इतनी बुरी अभी तक नहीं रही 3 मैचेस में नेशनल T20 कप के। अगर हम उसका मुवाजना करें स्पिनर्स के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग फिगर्स मिलती हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, एक सरप्राइजिंग फैक्टर सामने आया, यासिर शाह की विकटें जो हैं वो हमारे वर्ल्ड कप के अंदर जो सिलेक्टेड स्पिनर्स हैं उनसे ज़्यादा हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप, इस वक्त शादाब हो गए, नवाज़ हो गए, इमाद हो गए, इन लोगों से जो स्पिन बॉलिंग की तवक्को थी वो क्यों पूरी नहीं हो सकी? देखिए, ऑब्वियसली ये होल सोल स्पिनर्स नहीं है, ये स्पिनर जो ऐसे स्पिनर हैं कि जो बॉलिंग अच्छी कर लेते हैं साथ बैटिंग कर लेते हैं, ये स्पेशलिस्ट स्पिनर्स नहीं है। स्पेशलिस्ट स्पिनर्स वही होंगे जो आपको टेस्ट लेवल पे सक्सेसफुल नजर आएंगे, ओडीआई क्रिकेट में सक्सेसफुल नजर आएंगे। 1-1.5 साल से शादाब की फॉर्म नहीं है, इमाद यू नो इज नॉट अ बिग टर्नर ऑफ द बॉल, वो नया बॉल कर लेते हैं, टैक्टिकली अच्छे हैं, समझ रखते हैं, लेकिन एज अ स्पिनर कि वो जो बड़ा बड़ा स्पिन करेंगे और बैट्समैनों को ट्रबल करेंगे, ये नहीं होना। बैट्समैन हैज टू मेक अ मिस्टेक या ये उसको बड़ी अच्छी लाइन पे बॉलिंग करे तो फ्रस्ट्रेट कर ले, इससे ज्यादा इनका कोई इफेक्ट नहीं है। सो यासिर इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, यासिर जब भी अच्छी बॉलिंग करेगा उससे विकेट मिलेंगे। उस्मान कादिर को भी देख लें आप, उसने भी आउट किया, बॉलिंग अच्छी कर रहा है। जाहिद अच्छी बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि स्पेशलिस्ट जाहिद और यासिर तो स्पेशलिस्ट है। इवन उस्मान जो है वो भी लंबी क्रिकेट का बॉलर नहीं है, वो ये बाकी सभी, लेकिन इनमें से वो लेग स्पिनर इसलिए बेहतर है कि वो फ्लाइट करता है, उसके हाथ में स्पिन है, बाउंस है, विच इज मोर देन शादाब एंड अदर स्पिनर्स दैट वी हैव इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड। सलमान, कल रात एक खबर आई, एक खुफिया मुलाकात हुई चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम की वर्ल्ड कप स्क्वाड मेंबर्स के साथ एक निजी होटल के अंदर। कुछ बावसूख जराए हमें ये भी बताते हैं कि वहाँ पर 6 सिलेक्टर्स और भी मौजूद थे जो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं, और एक अहम मुलाकात हुई उनकी कप्तान बाबर आजम के साथ भी, जिसके बाद कुछ फैसले किए गए हैं कौमी टीम की तब्दीलियों में। किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, मालूम नहीं है बिहाइंड क्लोज डोर्स क्या हुआ है, पॉसिबल है कि उन्हें कॉन्फिडेंस दिया हो उन्होंने, लेकिन मैं इस व्यू का हूँ कि अगर आपने किसी को बैक करना है और आपकी अपनी बनाई हुई टीम है तो पब्लिकली बैक करें। छुपके तो आप लोगों को गलती की निशानदेही करते हैं ताकि दूसरे ना सुने, बंदे को बुरा ना लगे, लेकिन अगर आप किसी को बैक कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, तो बैक आप ओपनली करें, पब्लिकली करें। प्राइवेट बैकिंग का मतलब ये होता है कि आई एम सॉरी, पब्लिकली मैं आपको बैक नहीं कर सकता, द सिचुएशन इज नॉट दैट ग्रेट। लेकिन सलमान, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आपको ये बताऊं कि हमारे जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने जो है वो रमीज़ राजा साहब को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कौमी टीम में कुछ तब्दीलियों के, और उन्हीं की रिकमेंडेशंस पर, उन्हीं की तजवीज़ के ऊपर जो है वो 3 नाम जो मेरे सामने आए हैं वो ये हैं कि आज़म खान हो गए, शुएब मकसूद हो गए और मोहम्मद हसनैन हो गए, इनको ड्रॉप करने का फैसला किया गया है, जबकि इनकी जगह शुएब मलिक, फ़खर जमान और शाह नवाज दहानी को टीम के अंदर शामिल करने का फैसला किया गया है। देखिए, अगर ये इंस्ट्रक्शन वहाँ से है तो फिर तो ये होके रहेगी, फिर तो कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ जब तक ना हो जाए, अल्लाह ताला की तरफ से ना बदली जाए,
तो फिर तो यही रहेगी, अगर वहां से इंस्ट्रक्शन है मुझे इसका कोई नहीं है, आपके जराए कह रहे हैं, मैं तो वही बात उसी पे कमेंट कर रहा था जो आप मुझे बता रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम कुछ बात करें सलमान, क्योंकि कल सोशल मीडिया के ऊपर भी जब ये खबरें चलना शुरू हुई कि इन तब्दीलियों के इम्कान हैं या ज़राए से कॉन्फर्मेशन आ रही है कि नामों के अंदर जो है वो तब्दीली की जाएगी, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि आखिर शोएब मकसूद को क्यों ड्रॉप किया जा रहा है, और PSL के अंदर जो है वो टॉप रन स्कोरर थे, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी, और उनको T20 मैचेस अभी प्रॉपरली खिलाए भी नहीं गए उसके बाद पाकिस्तानी टीम के लिए, उन्होंने सिर्फ जो है वो वनडे खेले थे इंग्लैंड के अंदर, और उसके बाद जो है वो उनको नेशनल T20 के अंदर उसने इंग्लैंड में T20 उन्होंने बिल्कुल खेले थे, लेकिन एक ऑब्वियसली आप एक या दो मैच खेला उसने T20 जी जी बिल्कुल उसके बाद, लेकिन आप इतनी जल्दी राइट ऑफ अगर कर देंगे खिलाड़ियों को, यही लोगों का कहना। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि चार मैचेस तो वो खेले हैं इंटरनेशनल, और चार T20 खेले हैं, और तीन या दो वो वनडे खेले, तो छह आउटिंग्स तो उनकी इंटरनेशनल ऑलरेडी हो चुकी हैं, उसके बाद अभी तक तीन इनिंग्स डोमेस्टिक की, सो ही हैज प्लेड 9 इनिंग्स सो फार जब से उनकी वो PSL की परफॉर्मेंस हुई है, एंड काउंटिंग जो भी उन्हें आगे चांस मिलेगा, सो उनके पास मौका है इस टूर्नामेंट में वो अच्छी इनिंग खेले तो रहेंगे वो टीम में, बिकॉज उनकी एक लाइकिंग डेवलप हुई हुई है, लेकिन उन्हें अपनी फील्डिंग और फिटनेस को बेहतर बनाना है और शॉट सिलेक्शन को भी बेहतर करना है, वो अच्छा अच्छा खेलते खेलते जबरदस्ती करते हुए आउट हो जाते हैं, जब अगर इस तरह करेंगे तो उनके 15-20 का टीम को कोई फायदा नहीं है। काफ़ी लोगों ने इस बात पे भी तनकीद की कि उस्मान खादिर बड़ी ज़बरदस्त लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं, उनको जो है वो ड्रॉप किया गया है, रिजर्व्स के अंदर रखा गया वर्ल्ड कप स्क्वाड के, तो क्यों नहीं उनको रिप्लेस किया जाता, शादाब परफॉर्म नहीं कर रहे अभी तक, उन्होंने कोई विकेट हासिल नहीं की है नेशनल T20 कप के अंदर। बिल्कुल कर सकते हैं, किया जा सकता है, बट अगेन यूटिलिटी प्लेयर्स पे जोर दिया जा रहा है कि थोड़ी सी कोई बॉलिंग कर ले, थोड़ी सी बैटिंग कर ले, साथ फील्डिंग अच्छी कर ले, विकेट टेकिंग ऑप्शन है उस्मान कादिर, जिस तरह की वो बॉलिंग करते हैं, कैन बी मैच विनर ऑन हिज डे, शादाब 1.5 साल से उससे उस तरह की बॉलिंग नहीं हो रही, सो आई एग्री विद योर पॉइंट। शोएब मलिक के बारे में कुछ बात करते हैं, काफ़ी लोगों ने यह भी कहा कि एक्सपीरियंस की ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तानी टीम को, आप तमाम यंगस्टर्स को लेकर जा रहे हैं जिन्होंने चंदी T20 या वनडे मैचेस खेले हुए हैं, और साथ में जो है वो एक्सपीरियंस खिलाड़ियों का होना ज़रूरी है, मोहम्मद हफीज़ टीम का हिस्सा है, और बाबर आजम हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, साथ में उनका लोगों का ये भी कहना है कि शोएब मलिक की इंक्लूजन जो है वो टीम के लिए बहुत ज़रूरी है, किस हद तक देख रहे हैं आप इस बात को? सही देखिए, वहाँ पर आपको प्लेयर्स चाहिए जो इनिंग्स को इंटैक्ट रखें, जो मैच चलाएं, जो बीच में आए, सिंगल भी करनी जानते हों, स्पिनर को बड़ी हिट भी मारना जानते हों, तो अगर आप PSL जो दुबई अबू धाबी में लीग हुई है उसमें शोएब मलिक की परफॉर्मेंसेज देखें तो आपको पता चलेगा कि वो इस रोल पे कितना फिट बैठते हैं। मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइज था कि टीम अनाउंस हो और वो बीच में ना हो, क्योंकि ही इज़ दी ओनली प्लेयर ऑफ दैट काइंड, बाकी जो प्लेयर्स हैं वो पूरी टीम में इस तरह का एक्सपीरियंस किसी का नहीं है, इस तरह का मैच कोई नहीं चलाता, और फीस भाई है वो भी एक बिग शॉट प्लेयर है, मैच चलाने की स्किल शोएब भाई के पास है, लेकिन आई डोंट नो क्यों नहीं उन्हें कंसिडर किया गया। मोहम्मद हफीज़ का आपने जिक्र किया, मोहम्मद हफीज़ जो है वो अब तक नेशनल T20 कप का कोई भी मैच नहीं खेल सके, कैरिबियन लीग से आने के बाद जो है वो उनकी तबीयत नासाज थी, कहा ये जा रहा था उनको फूड पॉइजनिंग है, लेकिन जब उनकी लैब से रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि उनको डेंगी फीवर है, और वी विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज हेल्थ। सलमान मुझे बताइएगा कि इस मेजर टूर्नामेंट को वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले मिस करना मोहम्मद हफीज़ के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? देखिए, अनफॉर्चुनेट है, वो अनफिट है और वो बीमार हैं, अल्लाह करे उन्हें जल्दी से सेहत मिले और वो लाहौर वाले हिस्से में अपेयर हों, अच्छी प्रैक्टिस उन्हें मिल सकती है, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो ये मैचेस ना खेले तो उन्हें कोई मेजर फर्क पड़ेगा, ही हैज प्लेड सो मच क्रिकेट इन हिज लाइफ, ही नोज एवरीथिंग अबाउट द गेम दैट ही इज गोइंग टू प्ले इन द वर्ल्ड कप, तो मुझे नहीं लगता उनको ज़्यादा फर्क पड़ेगा इससे। सलमान मुझे बताइएगा कि शाहनवाज धानी ने जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के रीसेंट सीजन के अंदर बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे, किस तरीके से देखते हैं अगर उनको टीम में शामिल किया जाता है? देखिए, विकेट ले रहे हैं, वो एनर्जेटिक है, अच्छी पेस से बॉल करते हैं, ठीक है, चेंज ऑफ पेस पे कम बिलीव करते हैं, ज़्यादा अपनी पेस पर रिलाय करते हैं, एंथुसियास्टिक हैं, विद अ ब्राइट फ्यूचर, देखते हैं कि किसको रखते हैं, उनको रखते हैं या हसनैन की बॉलिंग अच्छी होती है, हसनैन से कैरी ऑन करते हैं, दूसरी तरफ वहाब ने भी दो मैचेस में अच्छी बॉलिंग की है, रन भी किए हैं, सो अभी कंपटीशन वाइड ओपन है, लेट्स सी कौन इस टूर्नामेंट में कौन क्या करता है और फिर वहां से फेट डिसाइड होगा।
सलमान, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ हैं जनाब वसीम खान साहब। तवक्को की जा रही थी उनसे कि वो रिज़ाइन कर देंगे अपने ओहदे से, लेकिन उन्होंने काफ़ी जल्दी रिज़ाइन कर दिया। वर्ल्ड कप से कुछ ही हम दूरी पर हैं इस वक्त, और एक ऐसे मौके पर जो है वो सीईओ का रिज़ाइन करना कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? देखिए, कोई तो मसला होगा उन्हें। इफ एवरीथिंग वाज ओके व्हाई वुड ही रिज़ाइन, तो कोई ना कोई बात तो हुई होगी, शायद कोई इख्तियारात की बात, कोई और बात, किसी और चीज़ के ऊपर कुछ पूछ गिछ, कोई नए आने वाले चेयरमैन के साथ कोई उनकी बातचीत, आई डोंट नो, अल्लाह बेहतर जानता है। बट द सिंपल कॉमन सेंस इज कि अगर सब ठीक होता तो वो क्यों रिज़ाइन करते हैं? और अभी उनके 4 महीने पड़े हैं कॉन्ट्रैक्ट में भी। बाकी ये है कि जहाँ तक वर्ल्ड कप का ताल्लुक है, उन्होंने कौन सा वर्ल्ड कप खेलना है या टीम के साथ ट्रैवल करना है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, उसका इफेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे हो सकता है, प्लेयर्स की हेल्थ को क्या फर्क पड़ता है उनसे। इसी बारे में बात करने के लिए हमें साथ में ज्वाइन करेंगे सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट हैं जनाब सैयद हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो हैदर साहब। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमने पहले भी इस बारे में बात की थी कि रमीज राजा के आने के बाद जो है वो एक टग ऑफ वॉर चलेगी पावर फैक्टर के ऊपर। वसीम खान हमें ड्राइविंग सीट के ऊपर दिखाई दिए हैं पिछले चंद बरसों में, जब उन्होंने एहसान वानी के दौर में काम शुरू किया था। किस तरीके से देख रहे आप उनके रेसिग्नेशन को? देखिए, ये बात तो पहले से ही हम कह रहे थे कि रमीज राजा के आने के बाद जो बैलेंस ऑफ पावर है वो शिफ्ट हो जाएगा एक आदमी की तरफ, रमीज राजा की तरफ। और ये बात मैंने पहले दिन की थी जब रमीज राजा का नाम से अनाउंस हुआ था कि अब क्रिकेट बोर्ड जो है वो वन मैन शो हो जाएगा, क्योंकि रमीज राजा एक तो बहुत ज्यादा फंक्शनल है और वो हर काम अपने हाथ में रखना चाहते हैं, सिलेक्शन भी रखना चाहते हैं, मैनेजमेंट भी, ESL फ्रेंचाइज से बातचीत सारी। तो एक तरह से उन्होंने वसीम खान को कॉर्नर कर दिया था। दूसरी बात ये कि वसीम खान एक अलग सिस्टम से आए, वो इंग्लैंड से आए थे, इंग्लैंड में काम कर चुके थे। इंग्लैंड में एक आदमी दूसरे आदमी के काम में दखल नहीं देता है, वहां पे ना वो इन्फ्लुएंस कोई लाता है ना कोई वो उसमें डिस्टर्बेंस करता है। और पाकिस्तान में जो सिस्टम कुछ और है, पाकिस्तान में हर आदमी दूसरे के काम में मुदाखलत करना चाहता है। तो रमीज राजा के साथ वसीम खान का चलना तो वैसे भी मैंने पहले कहा था बहुत मुश्किल है। अब इसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि अभी कोई इतना बड़ा कोई मैनेजमेंट का इशू नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान टीम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी एकदम से, क्योंकि सब चीजें प्लान है ऑलरेडी। तो वसीम खान के जाने से अभी फौरन किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगी, लेकिन इन टर्म ऑफ फ्यूचर अगर आप देखें तो रमीज राजा को एक आदमी ऐसा मैनेजमेंट में लाना पड़ेगा कि जो उनके इम्प्लीमेंट करा सके, उनके जितने भी डिसीशन है, उनके जितने विशेष हैं, उस पर अमल दरामत करा सके। तो हो सकता है कि रमीज राजा किसी ऐसे शख्स को लाना चाहते हैं कि जो उनको बिल्कुल 100% फॉलो। सलमान, आपकी तरफ मैं आऊंगा। वसीम खान साहब को जो है वो एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि उनको पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल करना है, और साथ ही साथ जो हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर इश्यूज थे उनको भी फिक्स करना है। उनकी जो पूरी परफॉर्मेंसेस रही थ्रू आउट द टाइम, उन्होंने जो सर्व किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, किस तरीके से देख रहे हैं उसको? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में जो आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस नजर आई हैं, ये वसीम खान ने नहीं की, ना ये किसी क्रिकेट बोर्ड के बंदे ने की है। ये सारी डायरेक्शन जो है उन्हें इमरान भाई की तरफ से थी, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से थी, जो कि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले जब भी क्रिकेट पर बात करते थे तो वो स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करते थे, वो रीजनल या स्टेट्स की क्रिकेट की बात करते थे। तो इस पूरे स्ट्रक्चर के चेंज में देर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद वसीम खान या एनी अदर पर्सन इन द बोर्ड। हाँ, जब वो वहां जॉब पे आ जाते हैं लोग, तो फिर उसको उन्हें चाहते ना चाहते हुए ओन करना पड़ता है जब वो मीडिया को केस करते हैं। बट वी ऑल नो, और वसीम खान साहब ने एक दो जगह डिफरेंट भी ये कहा है कि ये सिस्टम मैंने नहीं इम्प्लीमेंट किया, ये मुझे बताया गया करने को। बिल्कुल ऐसा ही है। और हैदर साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। अब खबरें यह आ रही हैं कि एक नया ओहदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर क्रिएट किया जाएगा, जिसको डायरेक्टर क्रिकेट का नाम शायद दिया जाए, और उसके लिए जो है वो कई तीन नामों के जो है वो नाम सामने आ रहे हैं उम्मीदवारों के। और उसके अंदर पहला नाम मोइन खान साहब का है, फिर आकिब जावेद साहब का है, और उसके बाद आमिर सोहेल साहब का नाम भी कहीं कहीं आ रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? मेरे ख्याल से आमिर सोहेल तो नहीं आएंगे या रमीज राजा उन्हें नहीं लाएंगे, क्योंकि आमिर सोहेल की पर्सनालिटी का कॉन्फ्लिक्ट है रमीज राजा के साथ। तो मोइन खान हो सकते हैं, कि मोइन खान या आकिब जावेद भी हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है डायरेक्टर क्रिकेट। और डायरेक्टर क्रिकेट भी वो दरअसल अपना काम कम करेंगे, रमीज राजा की इंस्ट्रक्शन में ज्यादा चलेंगे, क्योंकि
जैसे कि सलमान ने कहा कि रमीज़ राजा भी उन्हीं लाइंस ऑफ एक्शन पे काम कर रहे हैं जैसे इमरान खान चाहते हैं, वन मैन शो जो मैंने कह दिया बस वही होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ शायद आकिब जावेद रमीज़ राजा के लिए ज्यादा सूटेबल होंगे इस जगह कि वो उनकी सारी बातें मानेंगे और वैसे ही करेंगे। बिल्कुल, अब देखना होगा कि किस तरीके से मामला आगे चलते हैं। सलमान, आपकी तरफ आऊंगा, किस तरीके से देख रहे हैं आप इन नामों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर सर्व करते हुए? यार ये तो आके भाई बड़ा सक्सेसफुल टेन्योर उनका रहा एज ग्रुप्स की टीम के साथ एज अ कोच। उन्होंने दो दफा अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता, 2009 में वो हमारे साथ थे वर्ल्ड T20 जब पाकिस्तान जीता। सो एज अ टीम कंसल्टेंट और हेड कोच इज बीन ब्रिलियंट विद द पाकिस्तान टीम, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने फिर ऑब्वियसली वो फ्रेंचाइज क्रिकेट के साथ चले गए, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ उनका जो टेन्योर था वो फिनिश हो गया। तो मैंने उनके साथ जितना काम किया आई थिंक कि अगर वो अपना माइंड इंप्लीमेंट करें तो ही इज अ ब्रिलियंट पर्सन टू वर्क। बहरहाल अगेन गॉड नोज के कैसा आएगा। और मोइन भाई भी क्रिकेट को इन डेप्थ समझते हैं, पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, कोई निटिग्रिटी ऐसी है नहीं क्रिकेट की जिसको मोइन भाई ना जानते हों, और बेहतरीन प्लेयर भी थे। सो लेट्स सी कि कौन आता है और क्या करता है। अब फोर्सी दो आई कैन नॉट डू दैट। बिल्कुल, देखना होगा कि अब किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला चलाए जाएंगे। एक यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक लेंगे, सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होने वाली तब्दीलियों की, और हैदर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब से रमीज़ राजा साहब चेयरमैन बने हैं एक लम्हा भी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सुकून का अब तक नहीं मिला। एक से बढ़कर एक चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। पहले टीम के हेड कोच थे जनाब मिसबाह उल हक और बॉलिंग कोच थे वखार यूनुस, वो मुस्ताफी हुए। उसके बाद दो अहम दौरे जो पाकिस्तान के थे न्यूजीलैंड के और इंग्लैंड के वो कैंसिल हुए। अब वसीम खान साहब ने भी रिज़ाइन कर दिया है। फिर आपकी जो वर्ल्ड कप की स्क्वाड है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, और कुछ तब्दीलियाँ भी मुतवक्को हैं उसके अंदर। किस तरीके से देख रहे हैं इस वक्त उनके जो चैलेंजेस हैं उनको सामना करना पड़ रहा है? देखिए ये तो बहुत ही अजीब सी बात है कि रमीज़ राजा के आते ही इतनी सारी तब्दीलियाँ शुरू हो गई। कुछ लोग खुद चले गए, कुछ रमीज़ राजा ने उनको अल्टीमेटम दे दिया कि भाई आप खुद चले जाए यहाँ हम निकाल देंगे। तो ये सारी चीजें जब हो रही हैं तो मैं समझता हूँ रमीज़ राजा को खुद भी सोचना चाहिए कि आप क्रिकेट बोर्ड को रिकंस्ट्रक्ट करने आए हैं या डिस्ट्रक्ट करने आए हैं, ये उनको सोचना होगा। अगर उनके आने से इतने ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं एकदम से, ठीक है, बाय टाइम अगर कोई चेंजेस होती हैं तो वो तो एक पार्ट ऑफ रूटीन होती है, लेकिन एकदम से इतने सारे लोगों का हट जाना और अपने स्क्रीन से चले जाना ये कुछ बेहतर नहीं है। और रमीज़ राजा के आने के बाद ये ऐसा लगता है कि बोर्ड जो है सिर्फ चेंजेस के ऊपर चल रहा है, कोई अपना उनको कोई प्लान सामने नहीं आया, कोई प्लानिंग उन्होंने नहीं की है, बस वो आज एक जा रहा है कल दूसरा जा रहा है, बस यही हो रहा है। और अब ये देखेंगे कि जो नए लोग आएंगे वो कितने दिन रुकेंगे, क्योंकि मैंने पहले दिन ये कहा था रमीज़ राजा के साथ काम करना आसान काम नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत ही रिजिड माइंड और अपनी एक सोच रखने वाले इंसान है। कंप्रोमाइज पे वो बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते हैं, और जो बात वो कहते हैं वो उसी को वो हमेशा वही बात कहते रहते हैं। तो अब देखना है कि नए लोग भी अगर आ जाते हैं, आकिब जावेद या मोइन खान, इन दो में से कोई एक भी आता है, वो कितने दिन चलते हैं रमीज़ राजा के साथ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मूव होगा कि कैसे ये सब चीजें आगे चलेंगी। हैदर साहब, आज इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चीफ हैं आइन वॉटमोर, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने पाकिस्तानी कौम से जो है वो माजरत की है कि उनका जो फैसला था पाकिस्तान का दौरा कैंसिल करने का उससे जो पाकिस्तानी हर्ट हुए हैं, पाकिस्तान के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, उसके ऊपर उन्होंने एक माफी मांगी है। किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए देर आया दुरुस्त आया, आखिर उन्होंने इस बात का अपने एतराफ तो किया, इस बात को एक्सेप्ट किया कि उनसे गलती हुई और सपोजिशन पे उन्होंने जो है पूरा टूर कैंसिल कर दिया। लेकिन सिर्फ माजरत से कुछ नहीं होता है, आप ये कोई तरीका नहीं है कि आप एक चीज बनी बनाई उसको बिगाड़ दें फिर उसके बाद कहें सॉरी मुझसे गलती हो गई आप मुझे माफ कर दें। ये कोई क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि वो एक सड़क पे चलता हुआ आदमी है कि उसने फौरन कह दिया सॉरी, नहीं,
बल्कि उनको इसको कंपनसेट करना चाहिए, उनको एक प्लान देना चाहिए, उनको उनको आज ये कहना चाहिए था कि ठीक है ये टूर कैंसिल हो गया, लेकिन हम वेरी सून वेरी अर्ली जो है हम जो है एक नया टूर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हम जल्द से जल्द आपके पास आएंगे और आपके पास खेलेंगे, उनको एक प्लान देना चाहिए था। ऐसे आप किसी को लॉलीपॉप नहीं दे सकते, बस ठीक है कल उन्होंने टूर कैंसिल किया, दो दिन के बाद एक्सक्यूज कर लिया। आई थिंक ये एक्सक्यूज भी आया जो आया है कि इंग्लिश मीडिया और जो एक्स टेस्ट क्रिकेटर्स हैं माइकल एथरटन और दूसरे लोग जो है वो बार बार जो है पिनअप कर रहे थे कि भाई आप क्यों खामोश हैं, कुछ नहीं क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो उन्होंने फिर तंग आके शायद आज ये स्टेटमेंट दे दिया है और आई थिंक इसी वजह से दिया ताकि उनकी जान छूट जाए और लोग कहना कुछ कहना बंद कर दें, लेकिन आई थिंक मैं समझता हूँ ये कोई तरीका नहीं है, बल्कि उनको एक प्लान देना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनसे उनसे पूछना चाहिए कि आप सिर्फ एक्सक्यूज करके कैसे जान छुड़ा सकते हैं। तो क्रिकेट जो है एक ऑर्गेनाइज गेम है, क्रिकेट और जो भी टूर्स होते हैं वो महीनों पहले ऑर्गेनाइज हो जाते हैं सारी चीजें, उसमें सिक्योरिटी टीम आती है देखती है सब कुछ करती है, उसके बाद भी एकदम से करना ये बिल्कुल गलत है और इसकी उनको कीमत अदा करना चाहिए। हैदर साहब आज उन्होंने तस्लीम भी किया कि उन्होंने खिलाड़ियों से जो है वो इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं की थी, उनसे सजेशंस नहीं मांगी थी कि आया उनको दौरा करना है या नहीं करना, क्योंकि उन्होंने जो अपनी ऑफिशियल प्रेस रिलीज जो है वो जारी की थी जब दौरा कैंसिल किया था उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम ये फैसला इसलिए ले रहे हैं क्योंकि खिलाड़ियों की जो मेंटल हेल्थ है वो मुतासर हो रही है, और उसके बाद खिलाड़ियों की जो एसोसिएशन थी उन्होंने इस बात को रद्द किया था, डिनाई किया था कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया इस बारे में। जी बिल्कुल, देखिए ना प्लेयर्स ने बाद में इस बात को पब्लिक कर दिया कि हमसे नहीं पूछा गया, हमसे कोई इस बारे में कोई मशवरा नहीं लिया गया, तो ऐसा लगता है कि कुछ हायर अथॉरिटीज ने इस बात को मैनेज कर लिया कि बस आप कह दें और बाद में प्लेयर्स जो हैं वो खुद ही मान जाएंगे ऐसा होगा। लेकिन आप देखें ये बहुत अच्छी बात है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के जो स्टेटमेंट थे उसके खिलाफ प्लेयर्स बोले और बताया उन्होंने कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर ये चीज पाकिस्तान में होती तो पाकिस्तान में तो अब तक वो प्लेयर्स जो स्टेटमेंट देते हैं वो अब तक बाहर निकाल दिए जाते, उनको ड्रॉप कर दिया जाता। अभी देखें माजी में ऐसा होता रहा है, जिसने भी बोर्ड की किसी भी पॉलिसी के खिलाफ कोई छोटा सा भी बयान दिया, मोहम्मद हफीज के साथ यही हुआ कि उन्होंने सिर्फ जो है वो खिलाफ किया था पॉलिसी से तो उनको भी साइडलाइन कर दिया गया, फिर और दूसरों के साथ भी होता रहा। तो ये एक बहुत अच्छी एक पॉजिटिव सोच है इंग्लैंड क्रिकेट की कि प्लेयर्स ने अपने बोर्ड से खिलाफ किया और बोर्ड ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया बल्कि एक्सक्यूज की है, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट को भी इससे कुछ सीखना चाहिए। हैदर साहब ऐसा ही एक स्टेटमेंट न्यूजीलैंड के कप्तान का भी आया था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का जो है दौरा वो कैंसिल करना, टीम वहाँ पहुँच गई थी उसके बाद इस तरीके से कैंसिल करना एक बहुत ही अफसोसनाक अमर था, और उसके बाद जो है वो इसी तरीके से न्यूजीलैंड के और भी खिलाड़ियों ने उनको सेकंड किया था, किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज़ को? देखें ये केन विलियमसन का जो बयान था वो एक बहुत ही पॉजिटिव मूव थी, और उसके बाद फिर क्रिकेट बोर्ड ने भी इस बात को समझा और दूसरे उनके जो कंसर्नड रिलेटेड एजेंसीज थी उन्होंने भी इस बात को माना कि हमसे जल्दबाजी में हुआ है। लेकिन बात यह है कि जो चीज हो चुकी है उस पर एक्सक्यूज करने के बजाय आपको आगे के लिए देखना चाहिए कि आप उसको कितनी जल्दी उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कितनी जल्दी उसका बैकअप ला सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक काम कर दिया गलत उसके बाद एक्सक्यूज किया और घर बैठ के, न्यूजीलैंड को भी और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड दोनों को एक नया दौरा टूर जो है वो प्लान करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में जो क्रिकेट है, पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में जो है वो चलती रहे। ये बहुत जरूरी है, पाकिस्तान ने इसके लिए बहुत सारे इंतजाम किए थे, पाकिस्तानी शायकीन थे, फैंस थे, वो सपोर्टर्स थे, वो इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पे क्रिकेट होगी, क्रिकेट देखेंगे। तो ये सिर्फ एक मैटर बोर्ड्स के बीच में नहीं था बल्कि क्रिकेट फैंस के बीच में भी था, बोर्ड का और फैंस का, कि वो जो सपोर्टर्स थे, शायकीन थे, तमाशाई थे, जो क्रिकेट देखना चाहते थे उनकी भी दिल शिकनी हुई। तो इसलिए दोनों बोर्ड्स को अब एक प्लान देना चाहिए, ये नहीं कि अगले साल हम सोचेंगे। आप बयान तो दिया और फिर उसके बाद कहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर जो है टूर होता रहे, नहीं नेक्स्ट ईयर तो अभी बहुत दूर है, उससे पहले कोई विंडो देखना चाहिए, कोई ऐसी विंडो अवेलेबल हो जिसमें वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के बाद या कुछ हो कि ताकि यहाँ पे कुछ मैचेस हो सके और क्रिकेट जो है इंटरनेशनल क्रिकेट जो है पाकिस्तान में रीस्टोर हो सके। हैदर साहब बात करेंगे, न्यूजीलैंड ने अपना दौरा कैंसिल किया था, उसकी जो उन्होंने जवाब बनाया वो सिक्योरिटी थ्रेट्स थी, कोई एक अननोन सिक्योरिटी अलर्ट थी जो हमारे साथ शेयर भी नहीं की गई। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो अपना दौरा कैंसिल किया और उसकी वजह जो है वो उन्होंने खिलाड़ियों की मेंटल हेल्थ बनाई,
दोनों तरफ से जो है वो दोनों बोर्ड्स को कोई एविडेंस नहीं मिल सका, बल्कि डिनाई किया गया हर तरफ से कि ऐसी कोई बात नहीं थी दोनों तरफ से। किस तरीके से देख रहा पाकिस्तानी नैरेटिव को जीतते हुए? देखिए, ये बहुत ही सीरियस इशू था और मैं समझता हूँ इसको पीसीपी से ऊपर पाकिस्तान गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए, कि क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है वो पीसीबी के तो दायरे कार में नहीं आते, अख्तियार में नहीं आते। सिक्योरिटी वो तो एक पाकिस्तान गवर्नमेंट का था, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को गवर्नमेंट लेवल पे, ऑफिशियल लेवल पे इस पर बात करनी चाहिए थी कि भाई अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स थे तो उसको शेयर करते पाकिस्तान गवर्नमेंट से, और उसको जो है मिलकर सही तरह उसको देखा जाता, उसका इंस्पेक्ट किया जाता कि वाकई ऐसा कोई है या जस्ट इट्स अ जोक ऑनली। जैसे कि बाद में पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा कि जनाब ये एक इंडिया से ट्वीट हुई थी और वहां से ऐसे जो है धमकी दी गई थी, तो ये सारी चीजें जो है वो अगर होती इनके साथ शेयर की होती न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ और क्रिकेट बोर्ड के साथ, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए आसान होता। सिर्फ ये टूर नहीं बल्कि अभी जो टूर हो रहा था इसके बाद भी फ्यूचर में भी फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट को ट्रैक करना आसान होता, कहाँ से कौन से लोग हैं जो टूर को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं ऐसी रूमर्स के जरिए, ऐसी खबरों के जरिए, ऐसी बातों के जरिए। तो ये बहुत जरूरी था और मैं समझता हूँ अब तक नहीं किया गया, अभी भी वक्त है इसको करें, इसके ऊपर काम करें और इसको पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये जो है वो देखना चाहिए। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, उनको बताया कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, सब कुछ अमन अमान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शायद वो नहीं मानी और इसलिए जो है टूर कैंसिल हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर को और पाकिस्तान गवर्नमेंट को दोबारा इसको इशू को जो है री एनर्जाइज करना चाहिए, दोबारा देखना चाहिए कि भाई ये कहाँ से ऐसा कौन सा ऐसा कनेक्शन था जिससे ये सारी बातें निकली और इससे ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ताकि फ्यूचर में तो कम से कम ऐसा ना हो। फिर अगर नेक्स्ट ईयर टीम कोई आती है बाहर से और वो यहाँ पे फिर ऐसे कोई थ्रेट आता है तो क्या फिर दोबारा ऐसी लास्ट मोमेंट पे बिफोर टॉस जो है आप टूर कैंसिल कर देंगे? नहीं, उसके लिए इनको पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी और वो सारे ट्रैक्स जो है उनको मद्देनजर रखना पड़ेगा जहां से ये सारी चीजें हो सकती हैं, जाली फैक्ट थ्रेड्स हो सकते हैं, रूमर्स हो सकती हैं, उन सबको जो है ट्रैक करना बहुत जरूरी। एज ए साहब, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चीफ ने आज जो है अपने स्टेटमेंट के अंदर ये भी जिक्र किया कि वो फुली कमिटेड हैं अगले साल पाकिस्तान के टूर के लिए, जिसमें एक पूरा मुकम्मल टूर किया जाएगा जिसमें 3 टेस्ट 5 वनडे भी खेले जाएंगे। किस तरीके से देख रहे होंगे स्टेटमेंट को? ये बहुत अच्छी, देखिए पहले भी मैंने कहा कि ये बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के लिए कि वो एक बिल्कुल ऐसा प्लान दे जो बिल्कुल इंप्लीमेंट कर रहे हो, वाकई वो कहें कि बिल्कुल कुछ भी हो जाए हम करेंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो, अगर ऐसे थ्रेड्स हैं कुछ फैक्ट थ्रेड्स हैं उसके बावजूद हम करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। अब ये टूर अल्लाह करे ये हो जाए नेक्स्ट ईयर तक, अभी काफी टाइम है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि जब तक क्या होगा, क्योंकि जो कुछ हमारे इस एरिया में जो कुछ हो रहा है, टेरिटरी में हो रहा है साउथ एशिया में, उसको देखते हुए अभी आप बहुत जल्दी कोई बात जो है प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट 6 मंथ आफ्टर 6 मंथ 8 मंथ्स क्या होने वाला है यहाँ पे। लेकिन कम से कम मैं समझता हूँ इंग्लैंड बोर्ड इस पे जो है वो तैयार है, इसके लिए वो पूरी तरह मुकम्मल तौर तैयार है कि वो नेक्स्ट ईयर जो है हम जरूर टूर करेंगे। तो उनका ये जो अफर्मेशन है, ये जो उनकी एक अहद है, उसको हमें जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात होगी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अगर इंग्लैंड की, न्यूजीलैंड की और ऑस्ट्रेलिया की टीमें यहाँ पे आके खेलती हैं, क्योंकि जो दूसरी टीम है श्रीलंका या एशियन टीम है बांग्लादेश, वो इतनी इस वक्त स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं है। तो अगर बड़ी टीमें आती हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, तो पाकिस्तान क्रिकेट को उससे बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। हैदर साहब, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की स्टेटमेंट्स के बाद किस तरीके से देख रहे हैं आप वेस्ट इंडीज़ का दौरा है दिसंबर में, अगले साल फरवरी में ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, इंग्लैंड का दौरा तो उसके बाद शेड्यूल होगा, इन दोनों दौरों को इन स्टेटमेंट्स के बाद आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, वेस्ट इंडीज ने तो क्लियरली कह दिया ना कि हम तो जरूर टूर करेंगे, वो तो पहले ही इस बात को अफर्म कर चुके हैं बिल्कुल कि हम हर सूरत में टूर करेंगे। और मैं समझता हूँ वो जो थ्रेड अगर किए भी गए तो वेस्ट इंडीज शायद उनको जो है वो सीरियस भी ना ले, क्योंकि वेस्ट इंडीज का जो क्रिकेट बोर्ड है वो बड़ा डिफरेंट है तमाम दूसरे बोर्ड से, वहाँ पे वो एक मिक्सचर है मुख्तलिफ आइलैंड्स और स्टेट्स का, तो वो हर एक की अपनी एक लाइन ऑफ एक्शन होती है, तो उसको देखते हुए शायद वो सारा डिपेंड करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, उसको ही वो प्रेफर करेंगे। और उसको वेस्ट इंडीज का टूर तो आई थिंक वो तो नहीं कैंसिल होगा, वो
तो जैसे भी हालात हो, अगर थ्रेट्स हुए भी तब भी नहीं होगा, क्योंकि वैसे पाकिस्तान में हालात बहुत अच्छे हैं, अमन है और क्रिकेट बड़ी आसानी से खेली जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का टूर जो है उसके लिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इंग्लैंड जैसे स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि हम पूरी तरह तैयार हैं कि हम नेक्स्ट ईयर आएं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का अभी तक कुछ पता नहीं है कि आए वो आते हैं या नहीं आते हैं। वो भी हो सकता है कुछ ऐसी थ्रेट्स वगैरह को अपने सामने रखें और कुछ डिस्कस करें, कुछ वो हो सकता है इंतजार भी करें, हो सकता है टूर जो है थोड़ा सा आगे बढ़ाने की बात करें ताकि इस यहाँ पे इस एरिया में जो है वो थोड़ा और स्ट्रांगली अमन हो जाए, पीसफुल हो जाए, तो वो शायद टूर करें। लेकिन अभी वेस्ट इंडीज के टूर का अगर हम जो फर्स्ट वेरी सून टूर वो वेस्ट इंडीज का है, तो आई थिंक वो तो होगा जरूर और वेस्ट इंडीज की टीम जरूर आएगी। बिल्कुल, अब देखना होगा कि किस तरीके से जो है वो टीमें पाकिस्तान का टूर करती हैं फ्यूचर के अंदर। और बात हमने की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर किस तरीके से जो है वो बड़ी स्पीड के साथ तब्दीलियाँ होती जा रही हैं, हर रोज कोई ना कोई एक नई खबर होती है। और अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में किस सिमत ये तमाम चीज़ें जाती हैं। सी यू टुमारो, एट द सेम टाइम अल्लाह हाफिज़।